यस वेलकम अगेन। तो अभी तक हमने जो अपने पिछले दो लेक्चर्स में देखा है उसको फटाफट से 5 मिनट्स में रिवाइज कर लेते हैं। तो सर अभी तक हमने देखा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है व्हाट इज टैक्स। तो सर टैक्स इज व्हाट? टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज, जैसा मैंने बताया था आपको। टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। टैक्स अब दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। देन तो सर डायरेक्ट टैक्स में हमें इनकम टैक्स देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमें जीएसटी देखने को मिलता है और एंड कस्टम्स ऑल्सो। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेवे करने की पावर कहाँ है? तो सर आर्टिकल 265-246 रिडिस शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 में सर यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में आता है हमारा इनकम टैक्स। ये हमें याद रखना है हमेशा, एंट्री नंबर 82 में आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वहां से हमारा पावर आती है कि हम इनकम टैक्स लॉ बना सके। इनकम टैक्स लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एम्पावर्ड। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर इनकम मैटर्स, राइट। एग्रीकल्चर इज द स्टेट सब्जेक्ट, राइट। इनकम टैक्स के कुछ फीचर्स हैं सर। इनकम टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है, टैक्स है कंपलसरी चार्ज है, नो डाउट। टैक्स कंट्रीब्यूशन है हमारा, टैक्स पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है। टैक्स का हमें कोई डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता है, टैक्स इनकम पर लगाया जाता है और टैक्स हमारी इकोनॉमी जीडीपी में बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो सर टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। देखिए इक्विटी का प्रिंसिपल होना जरूरी है, मतलब अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल टैक्स लगाना चाहिए। ये नहीं किसी पर कम है तो उस पर ज्यादा टैक्स है। टैक्स सर्टेन होना चाहिए, देयर शुड बी सर्टेनिटी बिटवीन द टैक्स पेयर एंड बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट। दोनों में ट्रस्ट बना रहे, कन्वीनियंस। तो दोनों जब गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट कर रहा है रूल्स या नोटिफिकेशन के, तो कोई भी प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहा है तो वो थोड़ा कन्वीनियंट होना चाहिए, जिससे टैक्स पेयर हमारा परेशानी टैक्स पेयर को परेशानी ना हो और वो इजिली टैक्स पे करने में वो हेल्प हो। इकोनॉमी कॉन्सेप्ट ऑफ कैनन ऑफ इकोनॉमी इज द इम्पोर्टेंट, बिकॉज कोई भी टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो एडवर्स इफेक्ट आए हमारे फाइनेंशियल पे, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन का मैनर कन्वीनियंट हो और टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट भी कम से कम होनी चाहिए, तो ऐसा हमारा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। इनकम टैक्स लॉ हमने देखा सर। इनकम टैक्स लॉ इज वाइडर टर्म, जैसे मैंने बताया आपको। एक्ट थोड़ा स्मॉलर टर्म है, नैरो टर्म है। एक्ट आइसोलेशन में चलता है बट लॉ आइसोलेशन में नहीं चलता है। लॉ में आपका इनकम टैक्स एक्ट के बाद सर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस एक्ट। तो सर फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर आता है, यस एवरी ईयर आता है। इसका लॉजिक मैंने बताया था, मैं आपको अभी रिपीट कर देता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट प्लस फाइनेंस एक्ट प्लस इनकम टैक्स रूल्स, देन इनकम टैक्स नोटिफिकेशन एंड इनकम टैक्स सर्कुलर एंड लास्ट इज द केस लॉज। केस लॉज मतलब तो सर हमारे जुडिशियल रूलिंग्स आते हैं, कोर्ट के रूलिंग जजमेंट्स आते हैं। तो ये सभी मिलाकर हमारा क्या बनता है? इनकम टैक्स लॉ बनता है, राइट। इनकम टैक्स लॉ बनता है। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ फीचर्स थे कि इनकम टैक्स में हम देखते हैं सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज, राइट। इसमें हमने डिफरेंशिएशन देखा है, ये आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। फाइनेंस एक्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया लॉजिक क्या है। फाइनेंस एक्ट हर साल आने का लॉजिक ये है कि देखिए किसी भी कंट्री को चलाने के लिए टाइम बाउंड मेनर में कुछ चीजें बताई गई है। इसी तरह हमारे देश में चार तरह के बिल हैं जो टाइम टू टाइम लाने पड़ते हैं सरकार को, जिसमें सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन इम्पोज की गई है कि उसे एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल देने होंगे। एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल देने के लिए उसे एक एनुअली फाइनेंस बिल पेश करना होता है। ये फाइनेंस बिल कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। और जैसे ही फाइनेंस बिल प्रपोज होता है तो उसके बाद उसकी लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू वो आकर फाइनली क्या बन जाता है? हमारा फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और जब फाइनेंस एक्ट बनता है तो क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल थे, एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल का मतलब है जो हमारे अपकमिंग ईयर में आने वाले बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारे देश में जितने भी हमारे देश में होने वाले काम जो काम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड चेंजेस प्लस उनसे रिलेटेड टैक्सेशन के चेंजेस फाइनेंस एक्ट के अंदर लाया जाता है। फाइनेंस एक्ट के चार पार्ट होते हैं, ये हमें याद रखना है। फाइनेंस एक्ट के चार पार्ट में पहला पार्ट होता है, तो सर पहले पार्ट में टैक्स रेट्स बताए गए होते हैं। पहले पार्ट में टैक्स रेट्स दिए गए, सेकंड पार्ट में टीडीएस के रेट्स दिए गए, थर्ड पार्ट में टीडीएस रेट्स ऑन सैलरीज, राइट, एंड फोर्थ पार्ट इज द एग्रीकल्चर इनकम। सर इनकम टैक्स रूल्स वगैरह आप इसे रीड आउट कर लीजिए, तो मैंने टोटल बता दिया। इनकम टैक्स लॉ का पार्ट होता है इनकम टैक्स रूल्स और सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर्स क्या होते हैं सर? सर्कुलर्स सर्कुलर्स कैन बी क्लैरिफिकेटरी नेचर, ठीक है। सर्कुलर क्या होता है? स्कोप बताता है, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस या स्टेक होल्डर्स को जो प्रॉब्लम्स आती है उनको डील करता है। नोटिफिकेशन क्या है सर? नोटिफिकेशन एक तरह से लॉ है, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो हर बार छोटे छोटे चेंजेस के लिए हमें पार्लियामेंट नहीं जाना होता। सीबीडीटी इसके लिए एम्पावर्ड है। सीबीडीटी अपने एंड पर नोटिफिकेशन ला सकता है, नोटिफिकेशन के थ्रू वो अपना लॉ अमेंड कर सकता है। एंड सर दिस इज द केस लॉ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होता है? लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है।
और ये सभी के लिए अप्लाई इंडिया में होता है। तो सर लास्ट में हमने पता इनकम टैक्स कंपटीशन का मैनर। तो सर इनकम टैक्स कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इनकम टैक्स लगता किस पर है। तो इनकम टैक्स लगता है सर एवरी पर्सन, इसे हम आज देखने वाले हैं हु इज पर्सन। इनकम टैक्स लगता है एवरी पर्सन, और इनकम टैक्स लगता किस पर, टोटल इनकम पर। ठीक है, यहाँ तीन वर्डिंग हमारे सामने, दो वर्डिंग्स आते हैं हमारे सामने, दो वर्डिंग्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम। तो सर टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम में जो डिफरेंस होता है वो डिडक्शंस का एक डिफरेंस आ जाता है। देखिए इनकम कंप्यूटेशन करने का मैनर, सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे जिसकी हम इनकम कंप्यूट करने वाले हैं, जिस असेसी या जिस पर्सन की, वो रेजिडेंट है इंडिया में और या वो नॉन रेजिडेंट है। पहला स्टेप आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, इस ये हमारा चैप्टर टू, चैप्टर टू में हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री, देखिए जब आपने डिसाइड कर लिया ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, देन आप उसकी इनकम देखेंगे, इसकी इनकम कितने तरह की इनकम है। और हमारे सामने पांच हेड दिए होते हैं, पांच हेड में से हमें पांचों हेड में उसको क्लासिफाई कर देना है। क्लासिफाई करने के बाद हमें पांचों हेड में उसको कंपटीशन करना है। तो पांचों हेड में कंपटीशन करने का मैनर कि हमारे जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं वो पांचों हेड हम सेपरेटली इसमें डील करने वाले हैं। पांच हेड निकालने के बाद सर देखो आपने अदर पर्सन की भी क्या इनकम मेरे हेड में टैक्सेबल होती है। हाँ कुछ केसेस हैं जहाँ पे अनदर पर्सन की इनकम भी मेरे हेड में टैक्सेबल हो जाती है, जिसमें मेनली स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड आता है, राइट। इसके बाद सर आपने इनकम तो ऐड कर ली अपनी और अदर पर्सन की, ये इनकम ऐड करने के बाद आपने देखा मेरे प्रॉनली लॉसेस हैं। देखिए आप इस इनकम पे टैक्स देने वाले थे बट आपने देखा नहीं नहीं अभी तो मेरे लॉसेस हैं पेंडिंग, तो लॉसेस आपके करंट ईयर के और पुराने लॉसेस। तो पुराने लॉसेस हमारे इनकम टैक्स में लॉ है कि इनकम टैक्स में आप लॉसेज भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसके लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर इसके लिए भी सेपरेट चैप्टर है, स्टेप फाइव के लिए भी हमारे पास सेपरेट चैप्टर है। देन आपने लॉसेज सेटअप करने के बाद जो आपकी इनकम बची उस इनकम को नाम देते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम। बेसिकली आप देखेंगे इस पे आपको टैक्स देना है, बट अगेन गवर्नमेंट कहता है आपने कुछ सेविंग्स किए हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग गवर्नमेंट ने तो बोला है आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको हम टैक्स बेनिफिट देंगे। तो उन सभी स्कीम्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स का हमें यहाँ बेनिफिट लेना है। जैसे हमने बेनिफिट लिया तो इसे रिड्यूस करके क्या होता है नेट टैक्सेबल इनकम बचती है, जिसे हम बोलते हैं टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम में हम क्या करते हैं टैक्स का कैलकुलेशन। ठीक है, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो आपकी टोटल इनकम आई है उस पर मल्टीप्लाई करना है आपने रेट्स, रेट्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो टैक्स आएगा आपको उसमें आपने क्या है थोड़ा सा मसाला ऐड करना है, जिसे हम बोलते हैं सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। और इस सेस के बाद जो आपका टैक्स निकल के आया इसमें से आपने क्या करना है, जो प्रीपेड टैक्सेस हैं आपने वो माइनस कर देने हैं, प्रीपेड टैक्सेस आपने माइनस कर देने हैं। और नेट में आपका या तो रिफंड होगा या टैक्स पेबल होगा, एग्री सर, टैक्स पेबल या रिफंड होगा। रिफंड सर किस किस में हो सकता है, जब आपने ऑलरेडी टैक्स पे ज्यादा कर दिया हो। ठीक है, तो सर अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में हमें ये कंप्लीट करना है चैप्टर, और ये चैप्टर मेरा चार लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है। देखिए आज हम देखने वाले हैं जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी तक हमने देखा असेसी कौन है, असेसमेंट ईयर कौन है, पर्सन कौन है। ठीक है, अभी तक हमने कितने सारे टर्म्स सुन लिए बट इनका हमें मीनिंग इसमें एक्ट में बताया गया। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन असेसी, असेसी की डेफिनेशन ये हमें थोड़ा सा याद करना है यहाँ पे। असेसी की डेफिनेशन सेक्शन टू, और मैंने इसको रीड आउट करना बताया था, दिस इज फर्स्ट सेक्शन, दिस इज क्लॉज, दिस इज नॉट ए सबसेक्शन। क्लॉज किस लिए, बिकॉज सर इस सेक्शन टू में आने वाली जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जितने भी इसकी क्लॉजेज हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, सभी का मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सभी अपने आप में अलग क्लॉजेज हैं। तो सर असेसी कौन होता है, देखिए असेसी कौन है इसको समझते हैं। असेसी डेफिनेशन दिया गया, पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। असेसी कौन है, असेसी इज ए पर्सन, असेसी मीन्स ए पर्सन अगेन, तो असेसी मतलब पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन सेपरेटली दी गई है। ठीक है, तो हम भी मान के चलते हैं पर्सन कोई एक आदमी है। ठीक है, पर्सन है कोई भी है, पर्सन आपको कोई भी आप मान सकते हैं, ए ए लिमिटेड, ठीक है, ए सोसाइटी, राइट, और ए कोई फर्म है हमारे पास, कोई भी हो सकता है पर्सन। तो असेसी मीन से पर्सन बाय होम एनी टैक्स, बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम, और एनी अदर सम, एनी अदर सम मतलब
कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, वो पेनल्टी हो सकती है, लेट फीस हो सकती है, जो पेबल है इस एक्ट में, विच इज पेबल अंडर दिस एक्ट। तो असेसी कौन है? देखिए असेसी मींस जो इस एक्ट में जिसका असेसमेंट होने वाला है, मतलब उस पर्सन पर कुछ ना कुछ टैक्स या कुछ ना कुछ अदर सम, ठीक है, अदर सम इंटरेस्ट टैक्स, अदर सम क्या हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है, लेट फीस हो सकता है और टैक्स तो होनी है। तो जब किसी पर्सन पर ये इन चारों में से कुछ भी पेबल है इस एक्ट के अंदर, तो वो हमारा असेसी कहलाता है। देखिए इट इंक्लूड, देखिए अभी तक तो इन्होंने बोला असेसी मींस, तो ये तो एक बहुत एक लिमिटेड डेफिनेशन हो गया असेसी मींस, ठीक है, बट बाद में इन्होंने इसको बोला इन एडिशन इट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मतलब सब चीज आ गई है आपको, आप देखेंगे इट इंक्लूड्स वन, इट इंक्लूड्स टू एंड इट इंक्लूड्स, तीन बातें हैं। थोड़ा सा हमें लर्निंग पे भी फोकस करना है। असेसी सिंपली क्या बताया, असेसी मींस ए पर्सन, ठीक है, बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम इज पेबल, सिंपल, बट इट इंक्लूड्स व्हाट, असेसी इंक्लूड्स एनी पर्सन, एनी एवरी पर्सन ऑन होम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन, मतलब जिसके बारे में जिसके रेस्पेक्ट में कोई भी इस एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। प्रोसीडिंग क्या, उसके इनकम का असेसमेंट हो रहा है, ठीक है, और कोई एनी अदर पर्सन जिसके बिहाफ पे वो असेसेबल है, उस पर्सन उस इनकम का असेसमेंट हो रहा है, या किसी लॉस का जो उसने बियर किया है लॉस, या एनी अदर पर्सन ने जो लॉस बियर किया है उसका असेसमेंट हो रहा है, या कोई भी रिफंड है, ठीक है, उसको या फिर किसी अनदर पर्सन को, तो भी उसका असेसमेंट हो रहा है। तो इस चार कैटेगरी के पर्सन भी क्या कहलाते हैं, असेसी कहलाते हैं। मतलब असेसी नॉर्मली एक पर्सन है जो जिसके द्वारा क्या कोई टैक्स है, एनी अदर सम पेबल है इस एक्ट में, ये तो हमने बेसिकली जान लिया। आगे एक्ट बोलता है असेसी इंक्लूड्स, तो असेसी इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, एनी लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन और रिफंड जो उसको पेबल है या एनी अदर पर्सन। इसके बाद सर दूसरी कैटेगरी आती है असेसी। देखिए असेसी अब तक हमने देखा ये है, असेसी की दूसरी कैटेगरी में जो नेम आता है सर, वो आता है एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एन असेसी। सर डीम टू बी एन असेसी कौन होता है, डीम टू बी एन असेसी कौन होता है सर, आप देखेंगे डीम टू बी एन असेसी, लीगल हेयर, देखिए जो असेसी नहीं है टेक्निकली वो हमारे इस एक्ट में असेसी नहीं है। इस एक्ट का मेरा मतलब इससे है वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो असेसी है, नो डाउट, ठीक है, बट जब कोई पर्सन असेसी है और उसके बिहाफ पे किसी सेकंड पर्सन को डीम्ड असेसी माना जा रहा है, उसके बिहाफ पे किसी सेकंड पर्सन को, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, जो असेसी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट वो उस अनदर असेसी की रेस्पेक्ट में जब उसको असेसी बनाया जा रहा है, तो वो पर्सन भी क्या कहलाएगा, यहाँ असेसी कहलाएगा। और जैसे एग्जांपल के तौर पर लीगल हेयर, तो लीगल हेयर क्या होता है, लीगल हेयर आप किसी पर्सन का जो आगे उसको सक्सेसर बोल सकते हैं, ठीक है, जो उसको कैरी करता है आगे उसके सभी गुडविल एंड उसकी एसेट्स, तो वो लीगल हेयर है, उसको क्या बोला जाता है इनकम टैक्स में, उसको हम डीम्ड टू बी एन असेसी मान सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आते हैं सर एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, तो सर असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट कौन होता है सर, असेसी इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन है वो आगे हम टीडीएस के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इसे तीन कैटेगरी में याद रख सकते हैं। सबसे पहला असेसी कौन, तो सर असेसी कौन, असेसी मींस एवरी पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट असेसी मींस एवरी पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन अभी हमें पढ़नी है नो डाउट, बट एवरी पर्सन आपने याद रखना है कि पर्सन इज एन असेसी, सिंपल, जिससे क्या एनी टैक्स और एनी अदर सम इज पेबल। इसके अलावा तीन कैटेगरी और ऐड होती है सर पर्सन असेसी की डेफिनेशन में, एवरी पर्सन जिस इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, या तो उसकी इनकम असेसमेंट हो रहा है, उसका लॉस असेसमेंट हो रहा है, उसका रिफंड असेसमेंट हो रहा है, या ये तीनों चीज हो रही है किसी अनदर पर्सन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देन एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, तो हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं डीम्ड असेसी। सेकेंड कैटेगरी का नाम देंगे डीम्ड असेसी, एंड थर्ड इज असेसी इन डिफॉल्ट। तो इस तरह से हमारी असेसी की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। असेसी की डेफिनेशन का जो हमारा सेक्शन एंड क्लॉज कौन सा है, 2 क्लॉज 7। द नेक्स्ट असेसमेंट, आपने असेसी देख लिया, देन असेसी के बाद असेसमेंट, तो आपके हिसाब से असेसमेंट क्या होना चाहिए। देखिए असेसमेंट कुछ नहीं है, असेसमेंट इज इन प्रोसीजर, असेसमेंट एक क्या है, प्रोसीजर टर्म है ना,
आपने असेसी का असेसमेंट किया, तो असेसी का असेसमेंट मतलब असेसी एक प्रोसीजर अप्लाई किया आपने असेसमेंट करने के लिए, आपने प्रोसीजर अप्लाई किया जिसको नाम बोला असेसमेंट, राइट। दिस इज ए प्रोसीजर बाय विच इनकम इज डिटरमाइंड, इनकम डिटरमाइन। देखिए असेसी की इनकम आपने कंप्यूटर डिटरमाइन करनी है, तो उसके लिए प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का नाम देगा असेसमेंट। इनकम टैक्स में जब भी बात करते हैं इन्हें बोलते हम चेकिंग कर रहे हैं, इट इज असेसमेंट, इज असेसमेंट कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स असेसमेंट एज वेल एज रीअसेसमेंट। इनकम टैक्स में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, फर्स्ट टाइम असेसमेंट होता है तो उसको हम असेसमेंट नॉर्मली नाम देते हैं, बट एक असेसमेंट होने के बाद, एक असेसमेंट होने के बाद आपका केस दोबारा ओपन होता है यदि, तो उसको हम नाम देते हैं रीअसेसमेंट। सर यस, दो बार भी आपकी इनकम असेस हो सकती है, यस हो सकती है। आपका असेसमेंट हो गया उसके बाद आपका फिर भी उसमें कुछ खामियां रह गई, डिपार्टमेंट को लगता है नहीं अभी इनकम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, देन वो आपका इनकम रीअसेस कर सकता है, ठीक है। तो सर असेसमेंट हो गया, असेसमेंट के बाद आता है असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो सर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे कंप्लीटली पूरे टैक्स में साथ साथ चलेगा। देखिए इसको समझते हैं, इसको हम इसी तरह समझ लेते हैं। पहले हम देखते हैं, देखिए ठीक है, फाइनेंस एक्ट जो हमारा आया था, अभी हमारे पास जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है नवंबर और दिसंबर के एग्जाम्स में, विच इज 2021। तो सर फाइनेंस एक्ट 2021, देखिए बजट आया था, तो बजट आया कब, इट इज ऑन फेब 21 में आया था, ठीक है। फेब 2021 में बजट में फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस आया, बिल को हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, फाइनेंस बिल को हमने इंट्रोड्यूस किया था। फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद अगेन वो लॉन्ग मेकिंग प्रोसेस में गया, एंड देन उसमें डिस्कशन वोटिंग्स हुए, एंड देन वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उसको क्या किया, अप्रूव किया, और अप्रूव करने के बाद जो फाइनेंस एक्ट बना, और एक्ट वो नॉर्मली क्या होता है, एक्ट जैसे ही फरवरी में बजट आता है तो मार्च एंड मतलब 31 मार्च तक क्या होता है वो साइन हो जाता है। 31 मार्च साइन करने का पर्पज ये है कि इस फाइनेंस एक्ट की अप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई की जा सके, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट। देखिए फाइनेंस एक्ट 2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जब सरकार फाइनेंस बिल लाती है तो फाइनेंस बिल मैंने बताया दिस इज द एनुअल फाइनेंशियल प्रपोजल। हमेशा प्रपोजल जो होता है, सरकार देश के सामने जो बजट रखती है वो आने वाले साल का बजट रखती है, मतलब सरकार अपकमिंग ईयर में क्या करने वाली है, उसके क्या डिसीजन रहने वाले हैं, कितना बजट किस क्षेत्र में उसने अलॉट किया है। इट मीन्स की फाइनेंस बजट 2020 या फाइनेंस एक्ट जो मेरे 2021 पास हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर जो उसके बाद स्टार्ट होने वाला है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए डील करता है। तो फाइनेंस एक्ट 2021 कौन सा फाइनेंशियल ईयर कवर करेगा, तो फाइनेंशियल ईयर कवर करेगा सर वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22। मतलब सरकार बोल रही है कि आप 1 अप्रैल 2021 के बाद और 31 मार्च 2022 तक, ये जो साल है इस साल में जो भी टैक्सेशन रूल्स टैक्स लॉज होंगे वो हमारे फाइनेंस एक्ट 2021 के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो सरकार का कहना है कि अब कोई भी असेसी इस ईयर में जो भी इनकम अर्न करेगा, इनकम अर्न करेगा और उसको असेसमेंट किया जाना, ठीक है। तो असेसी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2021-22 में अर्न करेगा उसका असेसमेंट हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे, नो डाउट। नेक्स्ट ईयर मतलब जैसे हम बोलेंगे नेक्स्ट ईयर तो आपका 2022-23 हुआ ना, बट इसको यहाँ पे हम नाम देंगे असेसमेंट ईयर 2023। तो देखिए सिंपल, इसे हम और सिंपल कर देते हैं, देखिए इनकम अर्न होना और इनकम का असेसमेंट होना दो अलग अलग बातें हैं। इनकम असेसी को अर्न हुआ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, ठीक है, यहाँ क्या हुआ आपका इनकम अर्न, राइट। यहाँ आपका फाइनेंस एक्ट 2021 पास हुआ था,
फाइनेंस एक्ट 2021 पास हुआ था हमारा, लेट से 1st अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट हो चुका था, नोटिफाई हो गया था। तो 1st अप्रैल 2021 से नया, जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ तो उस साल की जो इनकम है, उस साल में जो भी इनकम अर्न करेगा वो कहलाएगा हमारा फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 को नाम देंगे प्रीवियस ईयर 2021-22। इनकम टैक्स में दो टर्म चलते हैं, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। यहाँ फाइनेंशियल ईयर वर्ड नहीं यूज किया जाता है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर। अब आप बोलेंगे सर प्रीवियस तो मतलब पिछला, पिछला मतलब ये तो 2021 होना चाहिए था। देखिए प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट से लाया गया। अब हम देखते हैं पहले असेसमेंट ईयर। आपने बोला होगा सर इनकम आप जो 2021-22 में अर्न करेंगे ना, गवर्नमेंट उसको असेसमेंट करेगा, गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, असेस करेगा, असेस करेगा नेक्स्ट ईयर में। देखिए आप जब तक आपका ईयर क्लोज नहीं होता आपकी क्या इनकम डिटरमाइन कर सकते हैं, आपने कितना अर्न किया। मान लीजिए आपने 30 मार्च तक, आप कहते हैं नहीं 30 मार्च तो 30 मार्च तक आप कर लीजिए, हो सकता है आपने 31 मार्च को वो इनकम अर्न किया, ठीक है, तो 31 मार्च की इनकम तो स्किप हो जाएगी ना असेसमेंट के दौरान, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कि ईयर एंड क्लोज कर लीजिए पहले, ईयर एंड क्लोज होते ही आपका नेक्स्ट ईयर लग जाएगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर लग जाएगा। तो जो नेक्स्ट ईयर में मतलब आप चाहे अगले दिन ही असेसमेंट कीजिए, आप 1 अप्रैल 22 को ही असेसमेंट क्यों ना करें, बट आपका यहाँ से क्या हो गया नया साल स्टार्ट हो गया ना। अब जैसे ही आपका यहाँ से नया साल स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये नया फाइनेंशियल ईयर, सॉरी दिस इज न्यू ईयर। तो आप देखेंगे ये ईयर कौन सा हो गया 2022-23, और क्योंकि इस ईयर में हम क्या कर रहे हैं असेसमेंट, इसलिए इसका नाम दे दिया असेसमेंट ईयर 2023। तो सर असेसमेंट ईयर 2023 का मतलब है असेसमेंट ईयर 2023 में प्रीवियस ईयर 2021-22 की इनकम असेस की जा रही है। हमेशा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर साथ साथ चलते हैं। तो पहले जो प्रीवियस ईयर है जिस साल में आपने इनकम अर्न किया है उसका असेसमेंट ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में ही होना है ना, आप उसी साल में उसका इनकम तो असेस नहीं कर सकते ना। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, 3-4 केसेस आप देखेंगे हम उसी साल में उसको असेस कर देंगे, बट वो अदर्स एक्सेप्शन जो नॉर्मली अप्लाई नहीं होते। नॉर्मली क्या चलता है, जिस साल की इनकम है उससे अगले साल में क्या होता है उसका असेसमेंट होता है, और जो उससे अगला साल होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जिस साल की इनकम होती है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल। ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया है फाइनेंशियल ईयर, आपको क्वेश्चन में दिया है जैसे प्रीवियस ईयर 1920, तो असेसमेंट ईयर बताइए। ठीक है प्रीवियस ईयर 1920 है, इसमें असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, ऑब्वियसली 2021 होगा। इसी तरह हम देखते हैं आपको असेसमेंट ईयर 20, आपको क्वेश्चन में बोला गया असेसमेंट ईयर 2022-23, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर क्या होगा, जस्ट वन ईयर बिफोर 2021-22, मतलब 2021-22 असेसमेंट प्रीवियस ईयर की इनकम असेस की जा रही है असेसमेंट ईयर 2022-23 में। ठीक है तो असेसमेंट, अब आपको उसका लॉजिक पता लग गया होगा, प्रीवियस ईयर नाम क्यों दिया गया, आप जिस साल में इनकम अर्न कर रहे हैं उसका नाम दिया गया प्रीवियस ईयर। तो आप सोच रहे हैं नहीं प्रीवियस ईयर तो इससे पहले साल होना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसकी इनकम नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर में असेसमेंट होने वाला है, तो उस असेसमेंट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में इस साल को प्रीवियस ईयर नाम दिया गया। ठीक है इसको नाम दिएगा असेसमेंट ईयर, तो इसको नाम दिया गया प्रीवियस ईयर। देखिए जब आप इनकम असेस करेंगे उस साल में आप खड़े ना, तो आप जिस साल में, आप जिस ईयर में यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, आप असेसमेंट ईयर में स्टैंड कर रहे हैं अभी, तो आप इस दिन चेक करें यार पिछले साल, तो आप यहाँ टर्म्स क्या यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्या यूज करेंगे, नॉर्मली प्रीवियस ईयर। इस तरह से क्या इसका कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया कि जिस साल की इनकम होती है उसको हम फाइनेंशियल ईयर ना बोलकर उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और ऑब्वियसली असेसमेंट इसका नेक्स्ट ईयर होना है, तो नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अभी देखते हैं अपनी बुक से इसमें कोई एग्जाम्पल्स हैं स्पेशल। ठीक है ये बात रही थी आपका प्रीवियस ईयर, जब आपका कंप्लीट ईयर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, बट उस असेसर के बारे में सोचिए जिसने बिजनेस, जिसने सैलरी, जिसने पहली बार अपनी जिंदगी में अर्निंग पहली बार स्टार्ट किया हो, और ऑब्वियसली कोई बंदा ये तो देखकर नहीं करता ना 1 अप्रैल है, ठीक है, तो उसने उस केस में उसका असेसमेंट और प्रीवियस ईयर क्या होगा, वो हमारे स्पेशल केस बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्या है। तो सर प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, मैंने बताया आपको इनकम इज अर्न, इट इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। देखो मैं इसे हम लिंक करते हैं असेसमेंट ईयर के साथ, इसे हम लिंक करते हैं असेसमेंट ईयर के साथ, और असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल प्रीवियस ईयर,
अब क्वेश्चन आता है सर, बिजनेस या प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में प्रीवियस ईयर क्या होगा? देखिए आपका ये ईयर है 21-22, सर यहाँ अमन है, अमन ने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है अमन, इससे पहले कोई भी अर्निंग नहीं करता था, अमन एसएससी था ही नहीं, मैं ये बोलूंगा अमन एसएससी था ही नहीं, क्योंकि आज से पहले उसने कुछ नहीं अर्न किया, ठीक है। और एसएससी की डेफिनेशन क्या थी? एसएससी की डेफिनेशन थी एसएससी मींस एवरी पर्सन इन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम, क्योंकि अमन को कोई अर्निंग नहीं थी, अमन वॉज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स, अमन एसएससी नहीं था। जैसे ही अमन ने बिजनेस में एंटर किया, और मान लीजिए बिजनेस में एंटर किया अमन ने 1 जून 21 से, पहला 2 महीने उसने कुछ नहीं किया इस ईयर के, और बाद के 10 महीने उसने क्या किया, अपना बिजनेस रन किया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आया है, जब अमन को हम डिटरमाइन करेंगे, अमन के हम आइडिया बनाएंगे, तो अमन के लिए मेरे सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो सर प्रीवियस ईयर वैसे तो आपका आंसर होगा सर 21-22, बट नहीं, यहाँ प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स नहीं होगा, यहाँ प्रीवियस ईयर होगा आपका 1 जून से 31 मार्च 22, ठीक है, इट विल बी ऑफ 10 मंथ्स पीरियड। और असेसमेंट ईयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं सर, असेसमेंट ईयर तो बहुत क्लियर है 22-23 ही होगा, क्योंकि इनकम तो नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट होगा ना, असेसमेंट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रीवियस ईयर हमारा क्या होता है न्यूली सेटअप बिजनेस में, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस अप टू द 31 मार्च, ठीक है, और इसको हम नाम दे सकते हैं एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, परफेक्ट। असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड, ओके, इनकम इज असेस्ड, बिल्कुल, मतलब इनकम डिटरमिन, इनकम पर डिटरमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो सर पीरियड ऑफ, देखिए नेक्स्ट क्या है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1st day of April एवरी ईयर। असेसमेंट ईयर सर कहाँ से स्टार्ट होता है? असेसमेंट ईयर भी हमारा 1st of April से ही काउंट होगा ना। देखिए आपने 31 मार्च तक अपना ईयर क्लोज किया, 31 मार्च तक आपने जैसे ही ईयर क्लोज किया तो आपका इनकम डिटरमाइन स्टार्ट करना है, देन इनकम डिटरमाइन आप 1st of April से ही कर सकते हो, मतलब आप 1 अप्रैल को भी अपनी इनकम डिटरमाइन कर सकते हो। तो इनकम हमारा असेसमेंट स्टार्ट होता है 1st of April से, ठीक है। देखिए बिजनेस आपने स्टार्ट किया 5 जनवरी को आपने स्टार्ट किया है, 5 जनवरी 2021, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका? प्रीवियस ईयर होगा 2021, बट ये पूरा नहीं होगा, आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 5 जनवरी से 31 मार्च तक होगा, और असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होने वाला है। प्रीवियस ईयर आपका 22-23 है, तो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होगा 23-24। बहुत आसान, बहुत आसान, आप इसको रिवाइज करेंगे, आपने रिवाइज करने की नीड नहीं है, मैं इतना रिवाइज करवा दूंगा आपको। आप देखिए अदर पॉइंट्स, असेसी में मेंटेन ए बुक्स ऑन कैलेंडर ईयर, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है असेसी ने, ये बहुत स्पेशल केस है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कैलेंडर ईयर, ठीक है, मैं इसको टाइमलाइन से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और इस तरह से आपने जब देखा, आपने एक कैलेंडर ईयर में 12 मंथ्स हैं, आपने दिसंबर तक टाइम पीरियड आपने नोट डाउन किया, दिस इज कैलेंडर ईयर 2021, राइट। तो सर अभी क्या है ना, इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन की जाती हैं सर, 2 कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, आपने पहले भी देखा होगा अकाउंट्स में अपने, इट इज आइदर ऑन कैश बेसिस और इट इज मर्केंटाइल बेसिस। सर कोई लोग तो कैश बेसिस पे मेंटेन करते हैं, कोई मर्केंटाइल बेसिस में मेंटेन करते हैं, एक कॉन्सेप्ट तो ये चलता है सर, बिल्कुल ठीक है। सर कुछ लोग क्या करते हैं ना, आपने अपनी इनकम को कैलेंडर, अपनी इनकम को ना फाइनेंशियल ईयर पे नहीं जाते, वो अप्लाई करते हैं कैलेंडर ईयर, मतलब वो 12 मंथ्स अप्रैल टू मार्च ना लेकर, वो 12 मंथ्स अप्रैल टू मार्च ना लेकर वो जनवरी टू दिसंबर लेते हैं। तो सर जनवरी टू दिसंबर तो ले रहे हैं, वो अपनी बुक्स मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं ना, सरकार उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बट जब सरकार को इनकम असेसमेंट करना है ना, जब सरकार को इनकम टैक्स का असेसमेंट करना है, तो आपको
उसमें व्यापारी या बिजनेसमैन चाहे कुछ भी अप्लाई करे, वो कोई सा भी ईयर फॉलो करे, उसको इनकम टैक्स के पर्पज से हमेशा ही प्रीवियस ईयर अप्लाई करना है। उसको इनकम टैक्स के पर्पज से हमेशा ही प्रीवियस ईयर अप्लाई करना है। तो सर प्रीवियस ईयर अप्लाई करना है तो इसका मतलब कैलेंडर कैलेंडर ईयर की इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैलेंडर ईयर की इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर की इनकम में। सर तो देखिए प्रीवियस ईयर इसमें क्या बनेगा, तो सर पहले 3 महीने जनवरी टू मार्च, और बाद के 9 महीने अप्रैल टू दिसंबर, ठीक है। तो सर जो हमारा कैलेंडर ईयर 2021 है, इसके पहले 3 महीने तो हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, या हम बोले पिछले प्रीवियस ईयर में चले जाएंगे, ठीक है। और सर बाद के 9 महीने जो मेरा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो सर वो मेरा प्रीवियस ईयर 21-22 में फॉल कर रहा है ना, तो ये 9 महीने मेरे 21-22 में काउंट होंगे। और इसी तरह से अब हम इनकम को क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। देखिए मिस्टर एच जी मेंटेन्स बुक्स ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस, बट ही हैज टू ऑफर इनकम एज पर फाइनेंशियल ईयर। आप देखिए कैलेंडर ईयर 2020 में 24 उसने अर्न किया, 24 में ब्रेकअप आपको हम दे रहे हैं, पहले 3 महीने का उसका अर्निंग था 6 करोड़, बाद के 9 महीने का था 18 करोड़। नेक्स्ट ईयर 21 कैलेंडर ईयर में 48 अर्न किया, जिसमें पहले 3 महीने का 12 करोड़ था, उसके बाद इसमें 36 करोड़ था। अब आपने इनकम असेस करनी है उसको प्रीवियस ईयर 2021। तो सर प्रीवियस ईयर 2021 कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है। तो सर इसमें हमारा जो पीरियड फॉल कर रहा है फाइनेंशियल ईयर, मतलब आप देखेंगे कैलेंडर ईयर 2020 के 9 मंथ्स फॉल कर रहे हैं, सॉरी 2020 के 9 मंथ्स फॉल कर रहे हैं, और 2021 के फर्स्ट 3 मंथ्स फॉलो कर रहे हैं, तब जाके मेरा फाइनेंशियल ईयर या मेरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम कैसे असेस हो रही है, तो देखिए 18 करोड़ प्लस 12 करोड़, ये कैसे हुआ सर। 2021 के जो बाद के 9 मंथ्स थे, जो मेरे 2021 के जो 2020 के 9 मंथ्स, 18 करोड़ हमने लिया, और नेक्स्ट ईयर के पहले 3 महीने 12 करोड़ हमने लिया, तो ये मिला के मेरा एक फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो जब जो असेसी है जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बनाएगा, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जो बनाएगा उसमें वो इनकम 30 करोड़ अपनी इनकम ने किया है ऐसा वो दिखाएगा, ठीक है। चाहे उसने ईयर कैलेंडर ईयर है, यहाँ 18 किया था या 36 किया था, बट इनकम टैक्स के पर्पज से उसके लिए 30 करोड़ उसका आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने क्वेश्चन में आता है। तो सर इतना देखने के बाद अभी हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आ गई हैं, देखिए पर्संस। तो सर अभी हमने देखा असेसी, असेसी मींस एवरी पर्सन, अभी हमने ऊपर देखा था ना सर, असेसी मींस एवरी पर्सन, सर असेसी मींस एवरी पर्सन, पर्सन पर्सन की डेफिनेशन दी है ना। पर्सन कौन होता है नॉर्मली, जब तक आपको नहीं पता आप क्या मानेंगे पर्सन कौन होता है, जब तक आपको नहीं पता आप मानेंगे सर पर्सन तो मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पर्सन मतलब एक एक लिविंग बीइंग, ठीक है, एक एक मनुष्य। बट नहीं, पर्सन इनकम टैक्स में पर्सन बहुत वाइड है, इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक लिमिटेड नहीं है। आप देखेंगे पर्सन में सबसे पहले कैटेगरी इंडिविजुअल, जिसको हम नाम देते हैं ह्यूमन बीइंग बोलते हैं जिसको हम इंडिविजुअल, सेकेंड इज द एचयूएफ, सेकेंड इज एचयूएफ, थर्ड इज द फर्म, फोर्थ इज द कंपनी, फिफ्थ इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सिक्स इज द लोकल अथॉरिटी, और सेवन्थ इज द रिमेनिंग कैटेगरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो सर सभी को बनवाया हम देखते हैं पर्सन की डेफिनेशन, मतलब पर्सन मतलब इंडिविजुअल पर्सन आता है, हाँ जी आता है। उसके बाद एचयूएफ, एचयूएफ का कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे। एचयूएफ होता है, एचयूएफ अपने आप में कोई लिविंग बींग नहीं है, बट एचयूएफ भी एक कैटेगरी ऑफ पर्सन है। पार्टनरशिप हम के बारे में आपने नाम सुना है, पार्टनरशिप हम भी 2 या 3 पर्सन मिलकर आपस में आते हैं, साथ आते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं,
तो वो भी एक सेपरेटली क्या माना गया, उसको पर्सन बोला गया। और जैसे कोई पर्सन इनकम टैक्स में पर्सन बन जाता है, वो अपने आप में क्या बन जाता है, एसएससी बन जाता है। ठीक है, तो फर्म ये हमारा पर्सन में आता है। कंपनी, तो सर कंपनी तो एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी का तो फिजिकल तो कुछ नहीं होता, कंपनी तो इंटेंजिबल है, कंपनी भी इसके लिए क्या मानेंगे, पर्सन माने गए हैं। इसी तरह एओपी और बीआई बीओआई होता है, इसी तरह लोकल अथॉरिटीज होती है। ठीक है, तो देखते हैं इंडिविजुअल। तो सर इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअल मतलब इनकम टैक्स के पर्पज से ओनली नेचुरल ह्यूमन बींग। ओके, इसमें कौन आता है, इसमें आता है मेल फीमेल चिल्ड्रंस सब आते हैं, प्लस माइनर और अनसाउंड माइंड वाला पर्सन भी आता है। माइनर और अनसाउंड माइंड, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, आपने वहां भी देखा होगा माइनर और अनसाउंड माइंड वाले पर्सन कंपेटेबल नहीं होते ना, जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो माइनर और अनसाउंड वाले पर्सन भी इनकम टैक्स कहता है कि नहीं, ये हमारे लिए इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं, ये भी हमारे लिए इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं, बेशक उनको छोटे हैं, चाहे वो उनका माइंड अभी अनसाउंड है, स्टिल दे आर असेसी। बट होता क्या है, वो असेसी डायरेक्टली नहीं बनाए जाते, उनकी इनकम जो असेस की जाती है वो उनके गार्जियन या उनके मैनेजर के हैंड में असेस की जाती है। ठीक है, और लास्ट इज द डिसीज्ड पर्सन। देखिए, जो जिस पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है, ऑब्वियसली उसको ना कोई नोटिस आ सकता है, ना उसका इनकम असेसमेंट हो सकता है। तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैंने बताया था लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका, या लीगल हियर से अनदर पर्सन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको इस कैटेगरी में इंडिविजुअल माना गया है। इंडिविजुअल बहुत सिंपल था। एचयूएफ, देखिए एचयूएफ आपने देखा है, एचयूएफ नाम सुना होगा, एचयूएफ नाम आता है, एचयूएफ की फुल फॉर्म होती है नॉर्मली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सर ये एचयूएफ की क्या वो डेफिनेशन दी है, सर एचएफ की डेफिनेशन इनकम टैक्स में कहीं नहीं दी गई, मतलब इनकम टैक्स एचएफ की डेफिनेशन कहीं नहीं प्रिस्क्राइब करता है, क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब एचएफ का, तो क्या है एचएफ का कॉन्सेप्ट आता कहाँ पे सर, तो सर एचएफ का कॉन्सेप्ट दिया है हमारे हिंदू लॉ में, हमारा हिंदू का एक फैमिली लॉ है, हिंदू फैमिली लॉ। ठीक है, वहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखते हैं कि एचएफ है क्या, तो एचएफ कुछ नहीं है, एचएफ जिसमें देखिए इसको हम इस तरह समझ लेते हैं, देखिए x x इज ए पर्सन, x इज एन इंडिविजुअल। ठीक है, देन इसकी एक फैमिली, एक ब्रॉड फैमिली है, में वाइफ है, देन चिल्ड्रंस हैं उसके। ठीक है, देन चिल्ड्रंस के भी क्या है, स्पाउस हैं, देन सन्स हैं। ठीक है, सभी हैं। तो क्या है एक्स अपने आप में क्या इंडिविजुअल एसएससी है, तो ये सेपरेट एसएससी है, ये भी सेपरेट, ये आपका जितने भी पर्सन हैं जिसके मैंने नाम लिए हैं अभी, वो सब अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या एसएससी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सभी एसएससी हैं। बट जब एचएफ का कॉन्सेप्ट आता है तो क्या बोला गया कि जो हमारे फैमिली का मेल मेंबर है वो भी कौन, सीनियर मोस्ट मेंबर जो हमारा है सीनियर मोस्ट, इसको नाम देते हैं कर्ता। तो एक्स, जैसे ही एक्स एक्स की अपना फैमिली हुआ, देन एक्स की मैरी होने के बाद क्या होता है, ये एक 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 तरह से फैमिली ड्राइव हो जाती है, और जैसे ही फैमिली हुआ ये आपका कॉन्सेप्ट कहलाया जाता है एचयूएफ। और इस एचयूएफ को हम इनकम टैक्स के नजरिए से हम इसको सेपरेट पर्सन मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, सेपरेट पर्सन मानते हैं। अभी देखेंगे ऑल द मेल मेंबर्स लीनियरली descended from the common ancestor और उनके wives and daughters। तो HF में कौन कौन आता है, मतलब HF में किस किस को काउंट किया जाता है, या हम ये बोले HF के members कौन हो सकते हैं, तो सर HF के members हो सकते हैं जितने भी family में आने वाले male members होंगे, वो सभी हमारे HF का member बनता जाएगा by birth। ठीक है, HF status से नहीं होता, HF by birth होता है, आपने जैसे birth हुआ वो HF का part बन जाएगा। इसी तरह जितने भी मेल मेंबर्स होंगे इस फैमिली के अंदर, उनके स्पाउसेस और उनके डॉटर्स, ठीक है, वो सभी भी हमारे क्या, ऑब्वियसली पूरी फैमिली पार्ट बन जाएगा ना, तो वो भी हमारे एचयूएफ में मेंबर कहलाएंगे। तो अभी क्या है, एचयूएफ में स्टेटस जो होता है वो बाय बर्थ होता है। सिंगल मेल मेंबर कैन हैव एन एचयूएफ, यस हो सकता है। ठीक है, पहले नहीं होता था, बाद में लॉ अमेंड हुआ 2005 में,
अभी एक पर्सन सिंगल पर्सन भी अपनी एचएफ बना सकता है, मेंबर्स मे बी मोर बट को पर्सन आर फ्यू। ये देखिए एचएफ है, एचएफ में दो टर्म्स आते हैं, मेंबर्स दीज आर द को पार्टनर्स। तो सर एचएफ के मेंबर्स ये तो आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे, जितने भी एचएफ की लिस्ट है ना, मतलब एचएफ में जो जो पर्सन बन सकते हैं, जो जो एचएफ में आ सकते हैं, जो जो एचएफ में कंसिस्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया ऑल द मेल मेंबर्स आते हैं, ठीक है, प्लस उनकी वाइफ्स एंड डॉक्टर्स आती हैं, ठीक है। मेल मेंबर्स में सन तो आ गया ऑब्वियसली, सन एंड मेल मेंबर में सभी आ गए, बट जो डॉक्टर्स हैं एंड जो वाइफ्स हैं वो रह गए थे, वो भी मेंबर्स बन जाते हैं एचएफ। एचएफ के मेंबर तो ये सभी बन गए, बट इसमें कोपार्टनर्स कितने हैं? तो देखिए कोपार्टनर्स कौन होते हैं, कोपार्टनर्स वो पर्संस हैं जो पार्टीशन का राइट रखते हैं। देखिए एचएफ अल्टीमेटली क्या है, एचएफ एक फैमिली तो है, तो एचएफ में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, एचएफ में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा या जो भी एसेट्स होंगी एचएफ में, वो सभी इस एचएफ की एसेट्स होंगी। और ये एक, ये कुछ नहीं है, अपने आप में एक फैमिली है, इसमें पांच छह लोग हैं मान लीजिए। तो अब इन एसेट्स पे सभी का राइट्स है, ठीक है, राइट्स क्या है, सभी का राइट्स है। और इस एचएफ का जैसे ही पार्टीशन होगा या ये एचएफ जब जिस दिन डिसॉल्व होगी, जिस दिन ये खत्म होगी, तो इसके एसेट्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें कौन कौन हिस्सेदारी रखेगा, तो जो पर्सन उस पार्टीशन में राइट रखने के हकदार होते हैं वो पर्सन कहलाते हैं को पार्टनर्स, ठीक है, मेंबर्स जिनके पास क्या होता है राइट। ये नॉर्मली मेंबर्स हैं, बट इसमें जो पर्सन के पास क्या है राइट है, राइट इसका पार्टीशन, राइट इन पार्टीशन, वो पर्सन कहलाते, वो मेंबर्स मेरे कहलाते हैं को पार्टनर्स, ठीक है। अब देखते हैं को पार्टनर कौन हो सकता है, आपने देखा एक मेंबर कौन बन सकता है, मेंबर आपने देख लिया, ये सामने मेंबर देखा, मेंबर कौन हो सकता है, तो देखिए पार्टीशन में कौन बन सकता है, जो बाय बर्थ होते हैं, जो मेंबर बाय बर्थ इस एचएफ का हिस्सा बनाए, ठीक है, बाय बर्थ से मतलब आप देखेंगे बाय बर्थ में कौन कौन हो जाएगा, आप देखिए तो इसमें सन होगा, डॉटर होगा, ठीक है, बट इसमें क्या नहीं होगा सर, इसमें डॉटर इन लॉ नहीं हो सकता ना, ये बाय बर्थ नहीं है, दिस इज ड्यू टू मैरी, ठीक है, तो ये इसमें को पार्टनर नहीं बन सकते, ये इसमें को पार्टनर नहीं बन सकते। अब देखेंगे दोज हु एक्वायर इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ, ठीक है, जो बाय बर्थ उस फैमिली का हिस्सा बनते हैं, वो सभी मेल मेंबर हो चाहे वो फीमेल मेंबर हो, वो मेरे आपका उसमें को पार्टनर्स कराते हैं, दे हैव द राइट टू, दे हैव द राइट इन जॉइंट फैमिली, ठीक है। Then son and daughter. तो son and daughter मैंने बताया, son and daughter क्या है, son and daughter by birth हैं, obviously they have become the part of family, so they are the co-partners. But daughter-in-law is not the co-partner, ठीक है? I hope ये concept आपको clear होगा। तो HCF के बाद हम देखते हैं सर third person की category, third person. तो third में नाम आया था हमारा firm. तो सर फर्म क्या है, आपने अपने फाउंडेशन लेवल में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए आते हैं और प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होता है तो वो एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह उनमें जो जो वो दो पर्सन से पार्टनर कहलाते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स में भी सेम मतलब लिया गया, इनकम टैक्स कहता है पार्टनरशिप फर्म, मतलब फर्म का मतलब है फर्म इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म प्लस फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। पहले एक्ट ने बोला फर्म मतलब व्हाट इज फर्म, तो फर्म मींस पार्टनरशिप फर्म प्लस फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। देन क्वेश्चन अराइज पार्टनरशिप फर्म का मतलब बताओ ना क्या है, तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब हमारा इनकम टैक्स होता है मीनिंग एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। तो इसने एक तरह से दूसरे एक्ट में रेफरेंस दे दिया, आप पार्टनरशिप का मतलब वही समझिए जो आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है। इसी तरह एलएलपी का मतलब जो एलएलपी एक्ट, एलएलपी का अपना सेपरेट एक्ट है, एलएलपी एक्ट में जो आपने पढ़ा है एलएलपी का मीनिंग वो आप उसमें वहां देखिए। एलएलपी में आपको बता देता हूँ, इट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी कंपनी का एक छोटा टाइप है, एक तरह से एक टाइप की कंपनी है बट पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, इसलिए इसे एलएलपी नाम दिया गया।
और पार्टनर का मतलब सर, पार्टनर का मतलब भी जब पार्टनरशिप फर्म का मतलब आपने वहां से पिक किया है तो ऑब्वियसली आप पार्टनर का मतलब कहाँ से लेंगे, सेम तो पार्टनर का मतलब भी आप वहीं से लेंगे कहाँ से, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट से, ठीक है। माइनर, तो सर माइनर विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज पार्टनर, यस, इफ सच माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट में भी ये लिखा है ना कि माइनर कैन बिकम ए पार्टनर, हो सकता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। इसी तरह इनकम टैक्स के लिए भी वो पार्टनर माना जाएगा, बट तब माना जाएगा जब उसको पार्टनरशिप में उसको बेनिफिट, उसके बेनिफिशियल के, उसके बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी पोजीशन में उसको रखा जाए, ठीक है। पार्टनरशिप में बहुत सिंपल था। अब आते हैं कंपनी, तो सर कंपनी कंपनी कंपनी, आपने कंपनी का मतलब सुना होगा। कंपनी क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कि भाई तुम किसी कंपनी के साथ हो या तुम किस कंपनी में आजकल बैठ रहे हो ना, आप कहते हैं संगत का असर आ रहा है, मतलब नॉर्मली क्या है, इट इज ए कंपनी। कंपनी मतलब जब कुछ दो या उससे ज्यादा लोगों का जो ग्रुप है, आप उसके साथ एसोसिएटेड हैं किसी भी तरह, आप दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक साथ मिलके किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक कंपनी फॉर्म कर लिया आपने, आपने क्या किया, आप कंपनी में हो किसी, आप अकेले नहीं हो, आप क्या नहीं हो, आइसोलेशन में नहीं हो, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ दो या तीन उससे ज्यादा लोगों के साथ एक एक साथ काम कर रहे हैं, वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कंपनी। इनकम टैक्स में कंपनी का मतलब पता ही क्या है, तो इनकम टैक्स में बोला है सर कंपनी मीन्स, सर इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, बहुत आसान। कंपनी मीन्स, इनकम टैक्स को यही बोलेगा ना, कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। प्लस उन्होंने कुछ और बोला है कि जो जो बॉडी कॉर्पोरेट है या कुछ अदर एसोसिएशन है जिसको हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डिक्लेयर कर दे कि तुम कंपनी हो, तो वो भी हमारी कंपनी मानी जाएगी। ये तो आसान था। तो सर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो ये सबसे पहले समझते हैं फॉरेन कंपनी क्या है। तो फॉरेन कंपनी कुछ नहीं है, फॉरेन कंपनी इज ए विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी, विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। तो पहले हम एक क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं सिंपल। देखिए क्लासेस ऑफ कंपनीज, सर क्लासेस ऑफ कंपनीज कितनी है, सर दो तरह की कंपनी होती है, पहला होता है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा होता है सर फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी मतलब लोकल हमारे इंडिया में बनी, इसमें होता है दो हिस्से, इसमें होता है इंडियन कंपनी और सर एक कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं एक कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग द डिविडेंड्स विद इन इंडिया आउट ऑफ इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। तो ये कंपनी होती है, कौन सी कंपनी, विच हैज मेड अरेंजमेंट्स फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड्स इन इंडिया, ठीक है। तो सर इंडियन कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, अभी हमें ये समझना जरूरी है। तो हमारा डोमेस्टिक का मतलब तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो सर फॉरेन कंपनी क्या है, अब देखेंगे फॉरेन कंपनी से कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी, यस, बहुत सिंपल। जो डोमेस्टिक नहीं है वो फॉरेन है। डोमेस्टिक कंपनी थोड़ा टफ है क्या, नहीं। देखिए इंडियन कंपनी कौन सी होती है, बताइए इंडियन कंपनी कौन सी होगी। सर इंडियन कंपनी में आप देखेंगे चार कैटेगरी आती है हमारे सामने। पहला है सर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, देखिए वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है या जो रजिस्टर हुई है हमारे कंपनीज एक्ट में। सर इंडिया में तो कंपनीज एक्ट, कंपनीज को गवर्न करने का एक ही एक्ट है ना, हाँ एक ही एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। दूसरी सर दूसरी कंपनी जिसका हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में हो, ठीक है, वो हमारी इंडियन कंपनी कहलाती है, यस इंडियन कंपनी कहलाती है। तो तीसरा क्या है, तो तीसरा है वो कॉर्पोरेशंस जो एस्टेब्लिश्ड है अंडर सेंट्रल एक्ट। देखिए कुछ हमारे कॉर्पोरेशंस होते हैं जो पार्लियामेंट के हमारे ना पार्लियामेंट के एक्ट से बनाए जाते हैं डायरेक्टली, जो ना तो कंपनी एक्ट में बनते हैं ना किसी अदर लॉ में बनते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे आईसीआई टाइप जिस तरह से आता है, आईसीएसआई, इस तरह की बॉडी जो पार्लियामेंट एक्ट से बनी है वो बॉडीज हमारी कॉर्पोरेशंस भी हमारी इंडियन कंपनी की कैटेगरी में फॉल कर जाती हैं। और लास्ट इज द कंपनी फॉर्म अंडर अंडर द लॉ इन्फोर्सिंग जम्मू कश्मीर दादरा नगर हवेली गोवा एंड दमन एंड दीव एंड पॉन्डिचेरी। तो
ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हमारे, तो वो हमने जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में क्या रजिस्टर्ड है वो भी हमारे, क्योंकि सभी इंडिया के पार्ट्स है ना, ये पार्ट तो इंडिया का ही ना अल्टीमेटली, तो इंडियन कंपनी कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल था। कंपनीज के क्लासिफिकेशन देखो, कंपनीज दो तरह की है, डोमेस्टिक फॉरेन। डोमेस्टिक के दो से इंडियन है, वो कंपनी जिसने इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए अरेंजमेंट किए हैं। इंडियन कंपनी में कौन आता है? सबसे पहले आता है जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है इंडियन कंपनी एक्ट में, जिसका इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो कंपनी जो पार्लियामेंट के एक्ट से डायरेक्टली बन जाती है, और वो कंपनी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रजिस्टर्ड है। तो सर कंपनी भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है सर एओपी, तो सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आप देखेंगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा समझिए ध्यान से। पर्सन की हम डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं। पर्सन की डेफिनेशन में पहला नाम आया था इंडिविजुअल, दूसरा नाम आया सर एचयूएफ, सर तीसरा नाम बताइए फर्म, फोर्थ सर फोर्थ इज कंपनी, फिफ्थ कहते हैं सर एओपी विच इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ध्यान से वर्ड फोकस कीजिए, पर्सन्स। ऑलरेडी हम पर्सन में, मतलब ऑलरेडी हम टू सबसेक्शन क्लॉज 31 पढ़ रहे हैं, टू सॉरी सेक्शन टू क्लॉज 31 पढ़ रहे हैं, और उसमें नाम दिया गया पर्सन। पर्सन कौन है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, ये सभी क्या है? पर्सन। फिर इसी के अंदर एक पर्सन आता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी एक पर्सन है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन, दो टू और मोर पर्सन यदि मिल जाए, टू और मोर पर्सन यदि मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और ये अपने आप में एक नया पर्सन माना जाएगा, मतलब एक सेपरेट एसएससी माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, सिंपल मिस्टर एक्स है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एंड एक एक्स वाई जेड एलएलपी, ये तीनों ने क्या किया है? ये आपस में जॉइंटली किसी कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हो गए, कॉमन पर्पस के लिए साथ आ गए, बट इन्होंने पार्टनरशिप हम नहीं बनाई, ऑब्वियसली पार्टनरशिप हम नहीं बनाई है, ये कॉमन पर्पस के लिए एक तरह से कोई वेंचर करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि ये तीनों अपने आप में क्या है? पर्सन है। ये क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी पर्सन है, ये कंपनी के फॉर्म में पर्सन है, और ये फर्म के फॉर्म में पर्सन है। लेकिन जब ये तीनों फर्म, तीनों पर्सन आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, तो इनको नाम नाम देते हैं एओपी, मतलब पर्सन का एसोसिएशन, पर्सन का एसोसिएशन। आप देखिए पर्सन का एसोसिएशन, तो उसको नाम दिया जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो आप देखेंगे पर्सन एओपी में, एओपी में इंडिविजुअल भी आ सकता है, एचयूएफ भी आ सकता है, ठीक है, फर्म भी आ सकती है, हाँ जी आ सकती है, तो क्या सर कंपनी भी आ सकती है? कंपनी आ सकती है, अदर पर्सन बिल्कुल आ सकता है। तो एओपी आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं हमारी स्टडी में क्या लिखा है इसमें, सर टू और मोर पर्सन ज्वाइन टूगेदर फॉर कॉमन पर्पज, दे डू नॉट फॉर्म पार्टनरशिप। ऑब्वियसली यदि पार्टनरशिप बन जाती है तो वो पार्टनरशिप हमें फर्म कहलाएगी। एबीसी लिमिटेड और मिस्टर एक्स मे कम टूगेदर फॉर द कॉमन कॉज एंड दस विल बी कंसीडर्ड एज एओपी। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सर ये भी आप ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन हो जाता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स सर, इसमें अगेन एक टर्म सुना सुना लग रहा है, हाँ जी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग, लिविंग बींग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो सर ह्यूमन बींग है हमारा, हाँ जी। देखिए लिविंग बींग का मतलब यहाँ ह्यूमन से ही है मेरा, यहाँ इसलिए इसमें एनिमल्स टाइप्स या है ना, एनिमल्स बर्ड्स नहीं आएंगे, दे आर लिविंग बींग बट दे आर नॉट ह्यूमन बींग। तो सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब, तो सर जब जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट मतलब आप किसी पर्पस के लिए या नहीं, विदाउट एनी पर्पस जी, क्या होता है जब वो जॉइंटली क्या कर रहे हैं? इनकम ड्राइव कर रहे हैं, जॉइंटली इनकम उनको रिसीव हो रही है, अर्न कर रहे हैं,
बट उनका दोनों का पर्पस हो सकता है वो कॉमन हो भी और या कॉमन पर्पस ना हो, ठीक है, बट दे आर रिसीविंग इनकम जॉइंटली, दे आर रिसीविंग इनकम जॉइंटली, तो उनको हम एक सेपरेट एंड अनदर अनदर कंडीशन इज देयर शेयर मतलब देयर देयर आई विल से इट इज प्रॉफिट शेयर और इट इज देयर देयर हिस्सा, ठीक है, देयर देयर पार्ट इन इन द टोटल प्रॉफिट्स, देयर शेयर इज इनडिविजिबल और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो सेपरेट नहीं है, मतलब ये नहीं पता ए का कितना बी का कितना है, ठीक है, तो इंडिविजुअल है उनका शेयर, तो उसे इस कैटेगरी में जो ये पर्सन बनते हैं उसको नाम देते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन हो सकता है, केवल इंडिविजुअल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल ही होते हैं, तो सर आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस लगता है वो कुछ एओपी और बीओआई, सर एओपी और बीओआई में डिफरेंस है, यस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं आई वुड से बहुत, आप देखिए एओपी और बीओआई में तो दोनों पढ़ लिया है, तो सर इसमें तो पर्सन का एसोसिएशन है, पर्सन में आपका इंडिविजुअल भी आ जाएगा, एचयूएफ भी आ जाएगा, फॉर्म भी आ जाएगी, एलएलपी भी आ जाएगी, कंपनी भी आ जाएगी, ये सभी इकट्ठा हो जाएंगे तो हम इसको नाम दे देंगे बीओआई, है ना, सॉरी इसको हम नाम देंगे एओपी, लेकिन बीओआई में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल से यदि मोर देन टू आते हैं तो उसको नाम देते हैं बीओआई, ठीक है, तो सबसे पहला फर्क आता है यहाँ कैटेगरी ऑफ पर्सन वाइड है, मतलब यहाँ पर्सन को ही अपने आप में एक इंक्लूड कर लिया है सभी के लिए, यहाँ ओनली इंडिविजुअल्स, जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होंगे तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाएगा। दूसरा इसमें सब कॉमन पर्पज होता है, इसमें ना इनका क्या होता है कॉमन पर्पज के लिए होता है, इसमें कॉमन पर्पज नहीं होता है, इसमें कॉमन पर्पज नॉर्मली नहीं होता है, तो इसका एग्जाम्पल दीजिए, इसका एग्जाम्पल होता है सर ट्रस्टीज, आप देखेंगे को ट्रस्टी होते हैं, मतलब कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट में क्या है ना ट्रस्टीज जो हैं सभी मैनेज कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ट्रस्टी नंबर वन, ट्रस्टी नंबर टू, ठीक है, सभी की अपनी डेजिग्नेशन है, कोई सेक्रेटरी, कोई ट्रेजरर, बट उनका क्या है ना उनका कोई हिस्सा उसमें डिवाइडेड नहीं है, मतलब उनका हिस्सा क्या है क्लियर नहीं है किसका कितना है, जो ट्रस्ट को अर्निंग हो रही है उसमें उसका कोई डेफिनेट पोर्शन नहीं है, ए का इतना 20%, बी का 30%, ऐसा नहीं है, तो क्योंकि ये पर्सन ना दोनों पर्सन इंडिविजुअल हैं, यस दोनों पर्सन इंडिविजुअल हैं, वो दोनों अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में असेसेबल होने लायक हैं, हाँ जी वो दोनों अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में असेसमेंट के लायक हैं, तो ये क्या कहेंगे, ये जो कोर ट्रस्टीज है मेरे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाएंगे। अब देखेंगे इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को नाम देते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who merely receives income jointly but are accessible in a like manner as beneficiaries individually. देखिए वो दोनों रिसीव कर रहे हैं जॉइंटली, इनकम जॉइंटली रिसीव कर रहे हैं, बट दे आर असेसेबल इन ए मैनर लाइक एज ए बेनिफिशरीज इंडिविजुअली, देयर इज ए लैक ऑफ कॉमन पर्पज इन दिस एंड देयर टाइटल शेयर इंटरेस्ट इज इनडिविजिबल, ठीक है। लास्ट आइटम आता है हमारा लोकल अथॉरिटी, तो सर लोकल अथॉरिटी क्या है, जो ना इंडिविजुअल है, जो ना कंपनी है, जो ना फर्म है, जो ना बीओआई है ना जो एओपी है, तो सर बचता है लोकल अथॉरिटी। देखिए लोकल अथॉरिटी जैसे आप इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए, म्यूनिसिपल कमेटी होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, इस तरह की कोई भी म्यूनिसिपल बोर्ड या म्यूनिसिपल फंड जो होते हैं जो गवर्नमेंट ने जिनको पावर दी है वो सभी मेरी इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जैसे नोएडा अथॉरिटी है लाइक, ठीक है, नोएडा अथॉरिटी, इस तरह की जो अथॉरिटीज हैं वो आते हैं, हालांकि नॉट अथॉरिटी पे सुप्रीम कोर्ट का मुझे याद आ रहा है एक जजमेंट है, नॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आई थिंक दिस इज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट राइट, जहां उन्होंने बोला कि नॉट नोएडा अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी नहीं है। तो सर डेफिनेशन हमने देखी, हमने देखा पर्सन कौन है, तो पर्सन की एक वाइड कैटेगरी हमने देखी सर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, फर्म्स, एलएलपी, एओपी, बीओआई, ठीक है। तो सर लास्ट हमारा बचता है, एक लास्ट में एक पर्सन रह गया था हमारा, तो नाम था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो लास्ट पर्सन जो था
लास्ट पर्सन आप देखेंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं जैसे डाइटी होता है, ठीक है। तो जो पर्सन अदर कैटेगरी में बचते हैं ना, जो आर्टिफिशियल हैं, जो नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जो एक तरह से ना ह्यूमन बींग्स है ना किसी तरह का लीगल उनका एंटिटी है, ठीक है। उस तरह के पर्सन हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप देखेंगे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अबव फोर पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी पर्सन। देखिए क्या बोल रहे हैं, अबव फोर कैटेगरी। फोर कैटेगरी किसकी बात हो रही है सर, फोर कैटेगरी की बात हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा ही रिमूव कर देता हूँ, समझ पाएंगे। फोर कैटेगरी की बात हो रही है सर, फर्स्ट एओपी, सेकंड बीओआई, थर्ड लोकल अथॉरिटी एंड फोर्थ इज द आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। सर इस इन चारों की बात हो रही है सर, इन चारों पे ये वाली बात अप्लाई होती है, इसलिए इसको सेपरेट मैंने लिखा है, एक्सप्लेनेशन है ये इन चारों के लिए पढ़ना है, बाकी चारों के लिए नहीं पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, दिस क्लॉज मीन्स क्लॉज 31। हम डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन की डेफिनेशन आती है 31 में, सर फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अबव फोर पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी पर्सन। हाँ पर्सन तो मान रहे हैं, वेदर और नॉट दीज वर फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइविंग इनकम प्रॉफिट एंड गेंस, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग करना हो या ना हो, ठीक है। बट यदि वो कॉमन कॉज या कॉमन एक्टिविटी के लिए फॉर्म हो रहे हैं टुगेदर और वो उस तरह का एग्जिस्टेंस फॉर्म कर रहे हैं जो इस एक्ट में बताया गया है, या तो एओपी या बीओआई, तो उस कैटेगरी में वो पर्संस माने जाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट वो प्रॉफिट अर्निंग या बिजनेस, मतलब वो इनकम ड्राइव करने के लिए नहीं है, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन छोटी सी थी, देन सर आगे देखते हैं, आगे क्या है डेफिनेशन हो गई। तो सर अब आता है एक छोटा सा टैक्स रेट आता है, आप इसे यहाँ याद कर लीजिए, चाहे बाद में रिपीट होगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो सर मैक्सिमम मार्जिनल रेट, देखिए इनकम टैक्स रेट अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल, तो सर ये नाम से क्लियर है, ये ना मैक्सिमम रेट है। मैक्सिमम रेट ना जो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी और बीओआई इन चारों को एक साथ इसलिए नाम दिया है मैंने, इन पे जो टैक्स लगता है ना हाईएस्ट, वो टैक्स है 30% एट प्रेजेंट। इस पे ऐड करते हैं सरचार्ज, जो हाईएस्ट लगता है वो 37% लग जाता है, और इसके ऊपर जो उसके बाद आपके ऊपर जो एजुकेशन सेस लगता है ना 4% लगता है। इस सबको टोटल करने के बाद जो आपका मैक्सिमम सरचार्ज रेट, मैक्सिमम टैक्स रेट आता है ना, वो आता है 42.744%। तो सर आप इंडिया में ना मैक्सिमम एमएमआर कितना है, राउंड ऑफ में जब हम बात करते हैं तो 43% हम बोलते हैं, इंडिया में 100 में से आपने 43 का टैक्स देना है, यदि आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, मतलब आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, 5 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि 37 का स्लैब 5 करोड़ से टच होते ही आपका 37 का स्लैब लग जाता है। तो सर एमएमआर हमें याद रखना है 43% होता है। और सर एमएमआर का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों नहीं होता, फर्म और कंपनीज में क्यों नहीं होता सर, सर क्योंकि ना इनके टैक्स रेट डिफाइंड है, दे हैव द स्पेशल टैक्स रेट, तो सिंगल टैक्स रेट होता है, जैसे बोलते हैं ब्लैंकेट रेट होता है, ब्लैंकेट रेट बोलते हैं। तो सर फर्म के लिए 30% बोला है, कंपनीज की भी आप देखेंगे 25 भी है, 22 भी है, 15 भी है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सर इसमें एमएमआर का कॉन्सेप्ट नॉर्मली नहीं लागू होता, ठीक है, हमने ये भी देख लिया सर। सर इसके बाद आता है इनकम की डेफिनेशन। अब हमने इतना पढ़ लिया, एसएससी पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पर्सन पढ़ लिया, अभी इनकम क्या है सर, इनकम। तो सर इनकम मैं चाह रहा हूँ आपने इसे अपने आप पढ़ें, और जब हमारा जितनी बैच कंप्लीट होगा ना, आप एक बार उसको रीड करेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप एक एक आइटम अपने आप बता देंगे कौन सी हेड की इनकम है, प्लस ये इनकम होती क्या है, ठीक है। तो इनकम की डेफिनेशन क्लॉज 24 में दी गई है, इन्होंने बोला कि ये इनकम है, मतलब इनकम इंक्लूड्स, ठीक है, वो गवर्नमेंट बोलती है कि इनकम सब चीज़ इनकम है, और इनकम इंक्लूड्स ये आइटम,
तो इन्होंने बोला ये आइटम पे स्पेशली इनकम है, बाकी जो हुआ वो इनकम है ऑटोमेटिकली। तो इनकम इंक्लूड्स पीजीबीपी मतलब बिजनेस के प्रॉफिट्स, प्रोफेशन के गेन्स, ठीक है, डिविडेंड्स, ट्रस्ट को आने वाले डोनेशन या जिसे हम बोलते हैं वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपने मंदिर मस्जिद या जो भी आपके चैरिटेबल सोसाइटीज है उनको मिलने वाला डोनेशन, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे देयर आर नंबर ऑफ, देयर आर अराउंड 23 कैटेगरीज ऑफ इनकम जो इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये कैटेगरी ऑफ इनकम गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया कि दिस इज इनकम। अब वो इनकम किस हेड की है, पांच हेड हमारे सामने आते हैं, वो इनकम के हेड धीरे धीरे हम सीख लेंगे कौन सी इनकम किस हेड में टैक्सेबल होती है। तो सर इंडिया, इंडिया इंडिया के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। इंडिया की डेफिनेशन आप देखेंगे इनकम टैक्स में, इंडिया सर इसका जो हमारी क्लॉज आती है सर, ये है हमारा क्लॉज नंबर 225A। तो सर इंडिया का मतलब आप देखिए, जितना आप जानते हैं इंडिया की हमारी बाउंड्री टेरिटरी, फिजिकल बाउंड्री जो है हमारी अर्थ, ठीक है, वो तो हमारे इंडिया का पार्ट है नो डाउट। तो जैसे हम इसे हम यहाँ नाम दे देते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में पूरा डिफाइन किया गया है कि इंडिया की बाउंड्री कहां से कहां तक है, राइट। इसके बाद आता है सर टेरिटोरियल वाटर्स। तो सर आप देखिए, अब मैं एक नॉर्मल एक आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इंडिया कितना बड़ा है आपका देखिए, मान लीजिए ये आपका एक देखिए फिजिकल बाउंड्री में पूरी काउंट कर ली ना इंडिया के नक्शे की। तो मान लीजिए ये कोई आपका एक स्टोर है या आपका एक ना एक आपका पोर्ट है, एक तरह से आपकी जैसे हम बोलते कॉस्ट लाइन है, सर इसके बाद तो सारा समुद्र है हमारे सामने है ना, ओशन, तो ये सारा ओशन है। तो सर ओशन आप देखिए, अब इंडिया में और क्या बोला है गवर्नमेंट ने, बोला टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो सर टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, तो सर जो इंडिया की कॉस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर्स का, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इसके बाद सर हमारी कोस्ट लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल्स तक एरिया होता है, अप टू 200, तो सर अप टू 200 कहलाता है सर, यस इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और सर इसके बाद ना जो बियॉन्ड 200 है, मतलब इस एरिया के बाद वाला सारा एरिया जितना भी है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सभी क्या है, इंडिया का पार्ट्स है, ठीक है, इसे बोलते हैं इंडिया। और इसके अलावा सर हमारा एयर, जो हमारा एयर बेस है या हमारा एयर जो एयर वाला एरिया है वो एरिया भी हमारे इंडिया के पार्ट में आता है, ये आता है, वो भी इसके लिए हमारे एक्ट है सेपरेटली जो उसमें लिमिट्स डिफाइन की गई हैं। और इस तरह से हमारे इंडिया का एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन और एयर स्पेस जो भी हमारा है अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के ऊपर वाला एरिया वो हमारा इंडिया का पार्ट बनता है, ठीक है। तो इंडिया की डेफिनेशन हो गई सर, यस हो गई। तो सर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इनकम। तो सर इनकम आप देखेंगे, इनकम मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्लस इसके पास कॉन्सेप्ट आता है सर रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट वर्सेस कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में इसलिए है सो डेट कि हमें ये क्लियर हो जाए हमारी इनकम इंडिया में जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है वो नॉर्मली रिवेन्यू रिसीप्ट टैक्सेबल की जाती है, कैपिटल रिसीप्ट टैक्सेबल नहीं होती। बट कुछ केसेस में आप देखेंगे कैपिटल रिसीप्ट भी टैक्सेबल की गई है, जिसमें अभी हम देखते हैं आगे। आप इससे पहले देखिए इंडिया में अकाउंटिंग का मेथड किस तरह से हम फ्लो करते हैं। देखिए पांच हेड की इनकम है, ये अभी हम देखेंगे, इसे हम बाद में कवर करेंगे। जैसे ही आपके पांच हेड्स कवर हो जाएं, मतलब आप पांचों हेड्स के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन कर लें, हम इस पेज पर दोबारा आएंगे और उस दिन जब आप देखेंगे तो इजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं।
सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिवेन्यू रिसीट्स वर्सेस कैपिटल रिसीट्स। सर रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या है? सर देखिए इंडिया में जब जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के दौरान या हम जो भी प्रोफेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें जो पैसा मिलता है वो हम या तो उसे ये मानते हैं वो मेरे नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड मिल रहा है, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। एक होता है वो मुझे आउट ऑफ बिजनेस मिल रहा है, मतलब वो मुझे एक तरह से वो बार बार नहीं मिलेगा या वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, ठीक है, तो वो मेरा क्या है रेवेन्यू। एक होता है कैपिटल, मतलब वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगे, जो मेरे जो मुझे बार बार नहीं मिलती है, रिकरिंग नेचर की नहीं होती है। आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स बना। सर रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स देखिए किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। रिसीट्स विच आर रेफरेबल टू फिक्स कैपिटल वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होती है, इसे भी हम समझते हैं। रिसीट्स विच आर रेफरेबल टू सर्कुलेटिंग कैपिटल, तो सर देखते हैं इसको किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो सर उसके पास ना कुछ फिक्स कैपिटल होती है और सर इसके पास कुछ हमारी सर्कुलेटिंग कैपिटल भी होती है। तो सर फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल होते हैं जितने भी इसके पास अपने फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, जितने भी इसके पास एसेट्स हैं वो सभी एसेट्स वो यूज कर रहा है किस लिए? अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में ना, गुड्स और सर्विसेज में यूज कर रहा है। इन गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करने में जो वो अपने मशीनरीज अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जितने भी उसके पास एसेट्स बेस है वो सभी वो यूज कर रहा है, वो उसे बेचने के लिए नहीं रखता, उसको अपने गुड्स और सर्विस को सर्विस प्रोवाइड करने में यूज करता है, वो उसकी फिक्स कैपिटल उसमें बिजनेस में लगाई है, उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है सर जो बिजनेस जब आप कर रहे हो ना, आप बिजनेस जो कर रहे हैं बिजनेस ट्रेड कर रहे हो आप, इस दौरान जो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, इस दौरान जो आपको जो भी आपका कैपिटल फंड्स जितने भी लगे हैं जिसको हम नाम देते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल होता है नॉर्मली आपके जितने भी करंट एसेट्स हैं माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो इस तरह की जो नेट कैपिटल बनती है वो आपकी क्या है वर्किंग कैपिटल है, जो आपको बिजनेस को डेली डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प कर रहा है वो वर्किंग कैपिटल हमारी सर्कुलेटिंग कैपिटल है। बिल्कुल ठीक है सर, इस तरह की कैपिटल। अब आता है सर रिसीट्स, तो सर देखिए जो रिसीट्स मेरी इस फिक्स कैपिटल से पर्टेन करती हैं, या हम ये कहें जो रिसीट्स मेरी इस फिक्स कैपिटल से रेफर होती है, इस फिक्स कैपिटल को रेफर करती हैं वो कैपिटल रिसीट्स हैं, तो जो मेरी नॉर्मल वर्किंग कैपिटल से पर्टेन करते हैं वो रिवेन्यू रिसीट्स हैं। मतलब आप सिंपल सा समझिए जो रिसीट्स आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस हो रही है ना, जो आपको बिजनेस करते वक्त बिजनेस के दौरान जो भी आपको प्रॉफिट लॉस या एवरीथिंग जो हो रहा है वो आपका रिवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है, बट जो रिकरिंग नेचर नहीं होता है आपने, ठीक है, आपने हैवी प्लांट मशीनरी बेचा, ठीक है, इस तरह की रिसीट्स आपने कुछ आपने कोई लैंड बेचा, ठीक है, इस तरह की रिसीट्स वो रिकरिंग नेचर की नहीं है, दीज आर द कैपिटल रिसीट्स। ओके, तो एक डिफरेंस तो फिर इस तरह से हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि दीज आर द कैपिटल रिसीट्स। तो सर इसके बाद होता है रिसीट्स टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एंड दीज आर द रिसीट्स टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम। तो देखिए सोर्स ऑफ इनकम देखिए जहां से इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, आप कैपिटल रिसीट का मतलब है मान लीजिए आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी जिससे आपका रेंट आ रहा था, आपने क्या किया इसका इस हाउस को ही बदल दिया, मतलब आपने इस हाउस को ही सेल कर दिया और पैसे मिल गया, तो आपने क्या किया इस आपने सोर्स ऑफ जो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग दिस इज द रिवेन्यू दिस इज, तो इस रिवेन्यू का जो सोर्स था हाउस प्रॉपर्टी आपने इसी को क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने इसको बेच दिया, आपने इसको बेच के कुछ और खरीद लिया ऑब्वियसली रिप्लेस कर दिया, तो ये जो रिसीट मिली दिस इज द कैपिटल रिसीट। बट जब आप होता है आपका सेकेंड पॉइंट आता है एनी रिसीट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इनकम, ठीक है, आपको जो रेंट मिल रहा है ये इस हाउस प्रॉपर्टी की वजह से मिल रहा है ना, लेकिन जब आप नया मकान खरीदोगे इस नए पैसे से जो भी करोगे, ठीक है, उससे आने वाली इनकम आपकी क्या होगी रिवेन्यू रिसीट होगी, रिवेन्यू रिसीट होगी।
इसी तरह से थर्ड कैटेगरी इसमें आ जाती है एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन फॉर सरेंडर ऑफ एनी राइट ऑफ ओनरशिप। जब आप सर कोई भी आप क्या करते हैं ना, आप कोई भी ओनरशिप ने आपने आपने क्या किया हुआ है, आपने राइट लिया है, आपने आपने एक कंपनसेशन, देखिए सर कंपनसेशन मिल रहा है आपको, हाँ जी मिल रहा है। तो सर कंपनसेशन एक तो मिल रहा है आपको सरेंडर ऑफ राइट, सरेंडर टर्मिनेशन ऑफ एनी राइट, ठीक है, आइडिया कॉन्ट्रैक्ट। तो सर जब इस तरह का कोई काम होता है उस पर हमें पैसा मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एजेंसी बिजनेस है, आपका क्या एक एजेंसी बिजनेस है और आपके पास ना वो सिंगल है, मतलब आपके पास इसके अलावा कोई एजेंसी नहीं है, सिंगल एजेंसी आपके पास, मान लीजिए सीमेंट की एजेंसी आपके पास, किसी भी तरह की एजेंसी है, एजेंसी बिजनेस में आओ, आपने वो एजेंसी बिजनेस आपका हो गया बंद और आपने वो टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ। आपने टर्मिनेशन के बाद जो आपको कॉम्पनसेशन मिला, कॉम्पनसेशन मिल रहा है आपको एज पर एग्री टर्म्स, ठीक है, जो आपकी टर्म्स एग्रीड हुई होंगी पार्टी के साथ, आपने जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, कैपिटल सीड्स। क्यों सर? क्योंकि ना आपका ये सिंगल एजेंसी था, आपका बिजनेस एजेंसी खरीदना बेचना, एजेंसी खरीद के उसको वापस बंद करना, इससे आपका बिजनेस नहीं था, ठीक है, एजेंसी बिजनेस आपका सिंगल था। अब आपका पूरा क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम ही सब्स्टिट्यूट हो गया, आपका सोर्स ऑफ इनकम ही सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो इसके बदले में जो आपको कंपनसेशन लमसम मिल रहा है वो कैपिटल सीट है। दूसरी साइड आपका बिजनेस ही आपका ना एजेंसी खरीदना और उसको टर्मिनेट करना है, तो आपके क्या है, आपके मान लीजिए 10 एजेंसी चल रही है, 10 में से आपकी 9 तो प्रॉफिट दे रही है, या मान लीजिए 8 आपकी प्रॉफिट दे रही है, सॉरी 6 आपके, 3 लॉस दे रही हैं, ठीक है, आपने एक को भी टर्मिनेट करवा दिया है, इस टर्मिनेशन पे जो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा तो आपका वो कैपिटल नहीं होगा, वो आपका रिवेन्यू रिसीट होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक तरह से बिजनेस ही एजेंसीज को रन करने का, आप इस आपके लिए क्या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आप, ठीक है, यहाँ इस तरह की कंडीशन नहीं थी। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट हम करते हैं कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में। आपको इंपॉर्टेंट एक बात बता देते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी ये कैपिटल और कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट को डिफरेंशिएट करने का तरीका नहीं बताया, ठीक है, वो कहीं ऐसा तरीका नहीं है। मैंने देखा आईटीए डज नॉट डिफाइन द कैपिटल रिवेन्यू रिसीट्स, नाइदर इट प्रेस्क्राइब्स एनी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग द कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसीट्स, ना ही क्राइटेरिया बताते। तो सर ये कहाँ से आया है? तो सर ये नॉर्मल हमारे जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है हमारे, अकाउंटिंग में भी सभी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, कैपिटल आइटम कहाँ डील करना है हमने, रिवेन्यू आइटम कहाँ डील करना है। तो सर उस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुके हैं और इन्हीं को हम यहाँ देख रहे हैं कि कैपिटल और रिवेन्यू को ये हर बार चेंज होगा एज पर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, और फैक्ट पर डिपेंड करेगा, हर केस का अलग हो सकता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, आप देखेंगे प्रॉपर्टी डीलर, तो सर प्रॉपर्टी डीलर है, यस प्रॉपर्टी डीलर है। तो सर आपके पास मान लीजिए 4 हाउसेज हैं, ये है मिस्टर ए, इनके पास 4 हाउसेज हैं, इनका ये डीलर नहीं है, नॉट ए डीलर। तो सर इनके लिए ना जब ये आइटम क्या कहलाएगा, इसके लिए कैपिटल एसेट कहलाएगा, ठीक है, और जब इसको ये बेचेंगे तो इसको बेचने पे जो इनको रिवेन्यू होगा वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए 10 हाउसेज हैं, ये 4 हाउसेज हैं मिस्टर बी, और ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, एक प्रॉपर्टी डीलर। तो सर इनके पास जितने हाउसेज हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर रहे हैं ना, वो खरीदते बेचते हैं मकान, ठीक है, उनके पास आज उन्होंने 10 खरीदे, 9 बेच दिए, 1 बचा, अगले दिन 2 और खरीदे, मतलब इनका काम ही बिजनेस करना है प्रॉपर्टी में। तो इनको जो ये इससे बेचने पे जो पैसा मिलता है ना वो रिवेन्यू कैपिटल नेचर का नहीं होता है, वो इनके लिए क्या है, रिवेन्यू नेचर का है। क्यों? क्योंकि वो इनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, तो वो यहाँ रिवेन्यू रिसीव कराता है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई होते हैं। अब आते हैं टैक्स मैनर पे, सर टैक्स से कैसे लगता है, रिवेन्यू रिसीट्स पे टैक्स होता है क्या या कैपिटल रिसीट पे टैक्स लगता है, नहीं लगता है? तो सर देखिए सिंपल है, रिवेन्यू रिसीट्स में बिजनेस के दौरान आने वाली रिसीट्स हैं, ठीक है, उस पर जो टैक्स हमें देने ही देना है।
रिवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, मतलब जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलते कि हाँ इस पर आप टैक्स नहीं लगना या इस पर 0% टैक्स लगना है, तो वो आपका क्या होता है रिवेन्यू रिसीट से उस पर टैक्सेबल 100% होता है। कैपिटल रिसीट सर प्राइम एफिशिय कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है, कैपिटल रिसीट मेरी टैक्सेबल नहीं है इनकम टैक्स में, बट यस मेजरली कैपिटल रिसीट जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा जिसे हम बोलते हैं सेल ऑफ कैपिटल एसेट, और जिसको नाम देते हैं हम कैपिटल गेन्स। मतलब जब आप कोई भी कैपिटल एसेट को सेल करते हैं, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे मिस्टर ए के पास चार ऑफिस थे, चार में से जब उसने बेचा तो बेचने पे उसको जो प्रॉफिट हुआ, या बेचने के बाद पहले सबसे पहले प्रॉफिट की बात नहीं करते हम, सबसे पहले बात करते हैं उसको जो कैपिटल पैसा मिला सेल कंसिडरेशन, वो उसके लिए क्या होता है कैपिटल रिसीट होता है, राइट कैपिटल रिसीट होता है। तो सर कैपिटल रिसीट है इस पर टैक्स लगता है? हाँ जी इस पर टैक्स लगेगा, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में सेपरेटली एक चैप्टर है कैपिटल गेंस। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला कि हम इस तरह की कैपिटल, जो कैपिटल गेंस इस चैप्टर में बताए गए हैं, हम उस तरह की इनकम पे टैक्स लगाएंगे। तो मतलब इस तरह की कैपिटल रिसीट का मेरा क्या लग जाएगा, जो मेरी कैपिटल रिसीट्स आती हैं फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, तो उन पे कैपिटल गेन देना पड़ता है। तो इसका मतलब कैपिटल एसेट मेरी एक तरह की ऐसी हो गई ना जिसको हम टैक्स दे रहे हैं, हो गई। दूसरी कैपिटल एसेट सर किस तरह की है? तो सर दूसरी आती है गिफ्ट। आप देखेंगे एक चैप्टर आएगा अदर सोर्सेज, तो आप वहां देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सर आप यहां देखेंगे यहां पे ना गिफ्ट आता है आपको, यदि आपको गिफ्ट मिलता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या आप परचेज करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बट विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब आपने सस्ते में खरीद लिया, आपने पूरा पैसा ना देकर बहुत कम पैसे में खरीद लिया, या आपने बिना पैसे दिए गिफ्ट में मिल गया आपको, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी कैपिटल एसेट है। इसको जब आप इसको डील कर रहे हैं तो ये क्या है, इसमें कैपिटल कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब आपकी कैपिटल एसेट है। इस पे सरकार कहती है नहीं नहीं, आपने जितने की फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी, जितने पे आपने खरीदना चाहिए था और जितना आपने खरीदा ये एक्चुअल वैल्यू, उसके डिफरेंस पर आप हमें टैक्स दे दो जी। तो हमें क्या देना है, टैक्स ऑन सरप्लस, ठीक है। तो इट मीन्स इस तरह की कैटेगरी में भी हमारी कैपिटल रिसीट्स टैक्सेबल की जा रही है। तो सर डिटरमाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन वेदर ए रिसीट इज ए रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट? देखिए इसका सिंपल सा रूल ये है, फिक्स रूल नहीं है, मैंने आपको बताया फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा, हर बार ये चेंज हो सकता है, हर केस के लिए सेम नहीं होता। प्रॉपर्टी डीलर यदि वो प्रॉपर्टी डीलर है तो उसके लिए वो इन्वेंट्री है, उसके लिए वो कैपिटल एसेट नहीं है। नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए वो कैपिटल एसेट है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं शेयर्स में भी हम तुम जब नॉर्मल खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है ना, हमारा काम उसमें ट्रेडिंग करना नहीं होता। बट एक प्रॉपर एक ट्रेडर है जो जिसका काम ही शेयर में ट्रेडिंग करना, बेचना खरीदना वगैरह सब, तो उसके लिए क्या होता है, वो इसका स्टॉक, इसकी क्या होता है इन्वेंट्री कहलाता है। तो इसकी तरह की कैपिटल रिसीट होती है और उसको मिलने वाली रिसीट होती है रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो इसका सिंपल सा बंडा ये है कि इफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज विद इन द नॉर्मल डीलिंग हमारे जो असेसी बिजनेस कर रहा है, जो उसको प्रोफेशन या ट्रेड कर रहा है उससे रिलेटेड यदि वो नॉर्मल है, उसमें वो नॉर्मल डीलिंग के अंदर आने वाली ट्रांजेक्शन है, तो वो रिवेन्यू रिसीट है। और यदि वो नॉर्मल बिजनेस से मेरे आउटसाइड है, मतलब वो नॉर्मल बिजनेस के बाहर है, वो बार बार नहीं हुई, वो मेरे बिजनेस के दौरान नहीं हुई या बिजनेस के दौरान बिजनेस से हटके हुई है, तो वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ शेयर सिक्योरिटीज, ठीक है, ट्रेडर्स, वो सभी आप इजिली पढ़ लीजिएगा आप देखेंगे। तो सर इसके बाद दो कॉन्सेप्ट हमारे बचते हैं, तो इसके बाद सर इसको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये भी आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा यदि मैंने इसको समझाया। तो सर हमारा चैप्टर वन बेसिक कॉन्सेप्ट कितना है, तो सर चैप्टर वन में अभी हमारे इंपॉर्टेंट एरिया रहते हैं टैक्स रेट्स। तो सर टैक्स रेट्स हम नेक्स्ट जो हमारा कल लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे टैक्स रेट्स, देन इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद हम एक इसमें छोटी सी रिविजन क्लास लेंगे जिसमें आपको पूरा चैप्टर एक समराइज में रिवाइज हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग, तो देखिए लर्निंग आपने साथ साथ करनी है, आपने डेली का वर्क रिवाइज करना है, बिना लर्न किए आपने ना कुछ नहीं कर सकते। मतलब जब तक कोई भी चीज वन टाइम रीड करते हैं ना, या वन टाइम आप सुनते हैं किसी लेक्चर को, तो वो माइंड में ना
फिट नहीं बैठता 100%, ठीक है, उस टाइम तक वो मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आपको माइंड में होगा, लेकिन आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है कैसे, उसको सेल्फ स्टडी में रिवाइज करके, सेल्फ स्टडी में रिवाइज करना है। तो जितना आप रिवाइज करेंगे आपको आपका ये जो शॉर्ट है वो लॉन्ग होता जाएगा, आप लॉन्ग होगा इतना आप एग्जाम डे तक नहीं भूलेंगे, मतलब आप एग्जाम में आई बिलीव कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवाइज सेल्फ स्टडी के अलावा कोई तरीका नहीं होता कि आप खुद रिवाइज ना करें और आपको कोई रिवाइज करा दे, ठीक है। इसी तरह पढ़ना, तो आपने पढ़ना खुद है, आपने रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, और रिवाइज आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कुछ ना कुछ क्वेरीज आएंगे आपका माइंड चलेगा, तो वही आपको हेल्प करेगा आपके फर्दर स्टडीज में। तो सर इसके लिए देन इसके बाद चैप्टर वन हमारा होपफुली क्लोज हो जाएगा फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में, देन इसके बाद हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वहाँ हम जाते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, आप ये रिवाइज कीजिएगा, पहले तीन लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने इसमें बहुत टाइम दिया, आप इसको इजीली आप रिवाइज कर पाएं, इसके लिए मैंने अपनी कॉन्सेप्ट जो मेरी बुक है आप इसको पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, आपको क्लास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो जस्ट आपने रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।